नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टाटा की इंट्रा का V30 वेरिएंट, जिसमें क्या क्या ख़ास बात है और गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों गाड़ी के इंजन के बारे में बात करते हैं। इसमें 1.5 लीटर का DI इंजन लगा हुआ है, जिसमें 1496 CC का इंजन है। 52 किलोवाट पावर देती है, जैसे कि 70 हॉर्स पावर का पावर प्रोड्यूस करती है। 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है इंजन। और इसके पीछे वाले बॉडी की बात करें तो 8.8 फीट बाय 5.3 फीट की है, यानी कि चौड़ाई 5.3 फीट है और लंबाई इसकी 8.8 फीट है दोस्तों। चार सिलेंडर का इंजन है और V10 वेरिएंट के कंपैरिजन में बात करें तो इसका इंजन का कैपेसिटी ज़्यादा है। और ये चार सिलेंडर इंजन है, V10 वाले में आप वेरिएंट में जाते हैं तो उसमें दो सिलेंडर इंजन आता है और उसकी पेलोड कैपेसिटी भी कम है। इस गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 1300 केजी का पेलोड कैपेसिटी है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको 175 mm का मिलता है। सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप का क्लच इसमें है। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और पीछे में ड्रम ब्रेक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है और ड्राइवर प्लस वन सीटिंग कैपेसिटी के साथ केबिन है। टर्निंग रेडियस 5.25 मीटर का है। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग लगा हुआ है आगे और पीछे में, जिसमें फ्रंट में 5 लीफ स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और रियर में 8 लीफ स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी है दोस्तों। 1300 केजी का पेलोड कैपेसिटी आप आराम से इसमें ले जा सकते हैं और इसमें आप चाहे तो ओवरलोड भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के साथ इसका स्टीयरिंग व्हील है, डिजिटल मीटर है और इको नॉर्मल बोर्ड इसमें दिया गया है। वारंटी की बात करें तो 2 साल या फिर 72,000 किलोमीटर का वारंटी कंपनी देती है। V10 वेरिएंट के कंपैरिजन में दोस्तों इसमें कुछ कुछ ही चेंजेस हैं। इसके पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है और ग्रेडेबिलिटी इसमें कम है दोस्तों, 37% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। 14 रेडियस के टायर ही मिलते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो टाटा इंट्रा V10 वेरिएंट से ज़्यादा है। इसकी कीमत 6,92,000 से लेकर 7,22,000 तक की कीमत है, जिसमें ऑन रोड आने के बाद ये गाड़ी आपको 7,70,000 80,000 ऐसे पड़ सकते हैं। AC वेरिएंट भी है इसमें दोस्तों, अगर आप AC वेरिएंट चाहते हैं तो AC वेरिएंट भी ले सकते हैं। उसकी कीमत 30,000 से 40,000 रुपये बस एक्स्ट्रा है। और 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है दोस्तों आपको इसमें। और एवरेज की बात करें तो 14 to 15 KMPL का माइलेज आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को काफ़ी स्टाइलिश बनाया गया है। केबिन इसका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप म्यूज़िक सिस्टम के साथ लेना चाहें तो टाटा का म्यूज़िक सिस्टम इसमें आपको लग के भी मिल सकता है। इको नॉर्मल मोड आपको अच्छा माइलेज देने में मदद करता है गाड़ी दोस्तों। इसके कंपैरिजन में जो अदर कंपनीज़ की गाड़ियाँ आती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा टाटा की गाड़ियाँ बिकती है। BS6 कंप्लेंट के साथ इसे कंपनी ने लॉन्च किया है। और इसके कंपैरिजन में सुजुकी की कैरी है और अशोक लेलैंड की दोस्त है। ऐसे ऐसे गाड़ियां हैं दोस्तों इस गाड़ी के कंपैरिजन में। इसका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा बनाया गया दोस्तों। सिर्फ ड्राइवर प्लस वन का सीटिंग अरेंजमेंट है और V10 वाले वेरिएंट में आप जाते हैं तो ड्राइवर प्लस टू का उसमें सीटिंग कैपेसिटी है। स्पीड गवर्नर लगा हुआ है दोस्तों, जिसमें 80 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, 80 इसकी टॉप स्पीड लिमिट होती है मालवाहक गाड़ियों की। और ये कुछ कुछ इसके डाइमेंशंस बॉडी के। इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग मिल जाता है दोस्तों आपको इसमें, जैसा कि मैंने बताया। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है गाड़ी के। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।